वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल दीपावली का समय था तो मैं स्पेशल घर को कैसे सजाएं, मैं उसी पे आज बताने वाली हूँ वीडियो। कि घर में कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा चीज़, सब सस्ता चीज़ से भी घर को बहुत सुंदर रख सकते हैं। मैंने करवा चौथ में फेंकने वाला था, ये फेंकने वाला चीज़ों से मैंने घर को इसमें पौधा रोल लगा दी हूँ। अब देखिए कि इस जगह हम टेबल पर रखें और टेबल कितना सुंदर लग रहा है। तो हम बोलते ये नहीं बोलते कि बहुत महंगा चीज़, फेंकने वाला चीज़ों से आप घर को बहुत अच्छा सजा सकते हैं, बहुत बहुत सुंदर रख सकते हैं। जो कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं बहुत महंगा लीजिए, एकदम सस्ता चीज़ फेंकने वाला चीज़ों से भी घर को आप डेकोरेशन सुंदर सजा सजा के रख सकते हैं, सुंदर घर में चार चांद लगा सकते हैं। जो कि अभी मैं अपना घर के पूरा दिखाऊँगी कि हमारा घर में हमेशा चार चांद लगते रहता है। मैं हमेशा घर को क्लीन और सुंदर सजा के रखती हूँ। तो चलिए, मैं घर के हमेशा कैसे सफाई करती हूँ। सप्ताह में एक बार मैं घर को पूरे सफाई करती हूँ। पर अभी दीपावली है, इस समय कुछ विशेष सफाई चल रहा है। इस मूर्ति पर लगा कि मिट्टी जमा हुआ है, तो मैंने उसको पानी से धुलाई की। जो जगह जैसे लग रहा है फटाफट उस तरह से सफाई करना है आपको। मीरा को मैं कपड़े से सफाई कर रही हूँ और यहाँ पे देख रहे होंगे चुंदरी जैसा, मैंने पूरे में चुंदरी जैसा पेपर लेकर के कटिंग करके उसमें फेविकोल लगा के सजाई है, जो साट दी हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। आप देख रहे हैं वहाँ चुंदरी जैसा पेपर सब में साट दिए हैं सबसे पहले। उसके बाद हम मोड़ गंदा था, सबको मैंने कपड़े लेकर के पूरे साफ क्लीन किया। फ्लावर को भी मैंने, फूल को भी अच्छे से सफाई किए, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से सफाई किया और अच्छे से सजाऊंगी। फिर पूरा घर लास्ट में कैसा होगा देखते रह जाएंगे। ये हंस है, हंस को भी मैंने पहले सब चीज़ को बढ़िया से साफ से पोछिए, जो धोने वाला है उसको धोइए, जो डस्ट मतलब हटाना है धूल मिट्टी जो जहाँ पे जमा हुआ रहता है, हर एक चीज़ को क्लीन कर लीजिए। जैसे आप नहीं साफ़ करते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो चीज़ साफ़ नहीं, गंदे दिखाई देंगे। तो उसको सफाई इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल आपका घर, बीच बीच में हमेशा बोले कि सप्ताह में एक बार ज़रूर साफ़ करते रहना चाहिए। और उसके बाद सजाने का भी बहुत ध्यान से घर के हर एक सामान को सजा के रखना चाहिए, तो काफ़ी सुंदर घर लगेगा। टूटने वाला सामान जैसे कछुआ होता है, कुछ शीशा का सामान है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको करना है ताकि सफाई करने समय टूटे ना। इन बातों को ध्यान देते हुए अच्छे से धूल मिट्टी हटाते हुए देखते हैं, देखिए कि पूरा मेरा ये अलमीरा सफाई हुआ, हालाँकि मैंने पूरे घर को क्लीन किया है। और इस अलमीरा में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, कि मैंने इसमें प्लास्टिक लगा दी हूँ ऊपर से ताकि जल्दी इसमें धूल मिट्टी ना जाए। वहाँ का मैंने सेटिंग कर लिया है, पूरा सुंदर बना लिया अलमीरा के। अब हम चलते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास, हम यहाँ सेटिंग कर रहे हैं, यहाँ सुंदर बना रहे हैं। तो यहाँ हमने भगवान को लिया है, मोर पंख से हम सजाए हुए हैं और छोटा छोटा चुंदरी सभी जगह रेड कलर का लिए हैं, और यहाँ सभी जगह हमने सबसे पहले बिछाया है, उसके बाद ऊपर से भगवान के दिए। यहाँ देख रहे हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ऐसे ही अब भगवान है, और भगवान जहाँ हो वहाँ तो खैर कहना ही क्या है। और देखने में इतना सुंदर लग रहा है, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी ऐसे रहेगा घर में। अब यहाँ एक टेबल है, टेबल को मैं इस तरह से सजा रही हूँ। पहले सबसे सब मैं अंदर का जो था मैंने सब निकाल के अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, और इस जो फ्लावर जैसा है इसको मैं कपड़ा लेकर के हर एक को साफ़ किया ताकि धूल मिट्टी जमा हुआ था तो
क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, जो कलर इसका इतना कलरफुल है वो बिल्कुल ख़राब दिख रहा था, वाइट जैसा हो गया था। देख रहे हैं कि अभी जब मैंने सजाई तो फिर कितना अच्छा, अब मैंने इसको फिर से सजाया तो वही टेबल अभी कितना सुंदर हो के आया। अब वो टेबल पहले इतना ख़राब हो गया था, कलर पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कलर है, अब जब मैंने उसको क्लीन कर दिए हैं वो अंदर से भी हर कलर दे रहा है, हर कलर दिख रहा है, अब टेबल कितना सुंदर लगने लगा। इसके बाद हम चलते हैं मोर पंख, एक लंबा सा है पर इसको मुझे लगा कि थोड़ा सा डंडी नीचे से काट दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम देख रहे हैं कि किस जगह बैठाएंगे ड्रेसिंग टेबल के पास, किस जगह रखें जो ज़्यादा प्यारा लगे, ज़्यादा सुंदर दिखे, तो मैं इस जगह सेट कर दिया उसको। फ्रेंड्स वो अलग अलग तरीका से सब लोग सजाते हैं और हम देखिए किस तरह से घर का डेकोरेशन देंगे। हम मनी प्लांट लाए हैं, हमेशा पौधा से मैं ज़्यादा घर को सजाती हूँ, सुंदर भी लगता है। तो देखिएगा मेरा घर कितना खूबसूरत लगेगा प्यारा सा मनी प्लांट के पौधा से, और मैं इसके साथ कई पौधा भी लाने वाली हूँ। तो क्योंकि मुझे पौधा से घर को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी मेरा घर कितना खूबसूरत हो जाएगा। और हर हमेशा मैं सजा के रखती हूँ घर को, पर दीपावली में थोड़ा विशेष करके हम लोग सजाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं रखने वाली हूँ इस जगह, और मैं चुंदरी नीचे डाली हूँ। लाल कपड़ा हमेशा घर में लाल चीज से सजाते हैं तो शुभता बढ़ता है, इसीलिए मैंने हमेशा लाल चुंदरी इसमें भी डाली हूँ, इसमें भी डाली हूँ। और देख रहे हैं लाल ग्रीन से घर को हमेशा सजाना अच्छा होता है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब हमारा एक स्नेक प्लांट है, ये स्नेक प्लांट को भी मैं एक जगह सेट करूंगी। इसको मैं रखने वाली हूँ एक जगह, इस जगह मैं रखूंगी, जो कि इसका देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसमें फ्लावर भी निकलता है तो ये और सुंदर लगता है। इस तरह से ड्रेसिंग टेबल के पास सज गया है, अब मैं दूसरा जगह सजाऊंगी। तो अब देख रहे हैं कि दीपावली के लिए हमने घर को कैसे सजाई हूँ। पहले हमने मनी प्लांट दिया है, फिर स्नेक प्लांट है, तो मैच करते हुए हमने सोफे का भी कवर डाली हूँ, उधर बेडशीट का कवर एक कलर का, मैं बेडशीट सोफा कवर सभी ने मैंने मैच करते हुए, और दूसरा रूम में भी मैच करते हुए बेडशीट लगाई हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं प्लास्टिक मैंने इसलिए डाला है कि यहाँ मिट्टी नहीं जाएगा, धूल मिट्टी नहीं जाएगा, और अंदर के फ्लावर फूल सब साफ रहेगा, बिल्कुल गंदा नहीं होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे प्लास्टिक लगाई। आप लोग भी इस तरह से प्लास्टिक लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा घर सुंदर हो चुका है।
अब हमने पूरे अच्छे से घर को सजा लिए हैं। एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ। अब यहाँ लग रहा है कि घर नहीं स्वर्ग है, इतना सुंदर से हमने घर को सजाया है, क्लीन किया है। थोड़ा सा परेशानी तो ज़रूर होता है, पर घर काफ़ी सुंदर हो जाता है। इसलिए हर कोना को सफाई, डस्टिंग, डस्ट को, गंदे चीज़ बिल्कुल ना रहने दें घर में। हर दिन घर को सफाई जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं और उतना सुंदर घर को बना सकते हैं। एक लड़की लक्ष्मी के रूप में होती है और लड़कियां ज़्यादा विशेष करके घर को साफ करती हैं। मैं आपको लिए चलती हूँ अपना दूसरा रूम में। दूसरा रूम में फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ जो दीवार घड़ी था वो टूट गया था, तो उसको मैंने क्या कि अंदर वाले सब निकाल करके मैंने सारे फ़ोटो उसमें ठीक से लगा दिया। ऐसे लग रहा कि जैसे नया फ़ोटो फ्रेम है। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले उसको आप अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और घर को सजाने में चार चांद लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आपने ध्यान दिए होंगे हमने जो घर का सजाया है उसमें रेड कलर मैं ज़्यादा दी हूँ, ग्रीन मैंने पौधा से लिया है और पर्पल कलर का मैंने पर्दा डाला हुआ है। तो ये सब कलर घर में शुभता बढ़ाता है, माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं, इसीलिए मैंने ये सब कलर घर में डाले हैं। इसी सब कलर से मैं ज़्यादा सजाई हूँ। जैसे पर्पल कलर में मैं वहाँ पर फ्लावर लगाई हूँ, ये आप देख रहे होंगे जो पर्पल कलर का मैंने फ्लावर लगाया। तो इस तरह से आप पर्दा लगा सकते हैं या आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। इस तरह से आपको रेड कलर, ये सब कलर, हरा कलर, ग्रीन कलर, मतलब इस सब कलर से आपको घर को ज़्यादा सजाना है जो घर का शुभता बढ़ेगा। रेड कलर, लाल कलर जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने बेडशीट ले लिया। से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहती हूँ। मेरा कोशिश होता है कि हमेशा ऐसा वीडियो लेके आऊँ कि आप लोगों को हेल्पफुल हो और आप मतलब उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। और मैं इसी के साथ आप विदा लेना चाहती हूँ और जाते जाते रिक्वेस्ट छोटा सा करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।